I've fallen in love with I Love. I love you. Dil bole wow. जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ उसे मैं नहीं जानता था, लेकिन उसकी हालत बहुत सीरियस थी। जल्दी से ओटी में लेके जाइए। लेके जाइए सर, लेके जाइए। ये आपके क्या लगते हैं? सर मेरा कोई नहीं है, ये रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो मैं इसे लेके आ गया। एक काम करो, इनकी फैमिली में किसी को फोन करके बुलाओ इमीडिएटली। हाँ। तभी मैंने कॉल करके बुलाया। Which floor? Third floor. पापा, वाओ, इतनी शांत जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सो ब्यूटीफुल। ऐसी जगह पे वक्त बिताने से हमारे मन का सारा दुख या दिल में कोई परेशानी हो, सब दूर हो जाती है। परेशानियों का जिंदगी से दूर होना तो नामुमकिन सा होता है। इससे ज्यादा शांत जगह पर जाओगे तब भी परेशानियों को भूल नहीं पाओगे। मैं इनडायरेक्टली पॉजिटिव बात करके उसको मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने डायरेक्टली नेगेटिव डायलॉग मार के मुझे चुप करा दिया। उससे मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूँ, जो हो गया उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। हमें उस परेशानी से बाहर आना चाहिए। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, फिर भी इतने कंसर्न से मुझे एडवाइस दे रहे हो, उसके लिए थैंक्स। लेकिन जिसके साथ होता है उसका दर्द सिर्फ और सिर्फ उसी को पता होता है। मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया। अगर बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। एनीवे, मेरा नाम विशाल है। सिर्फ नाम बताने के लिए इतना सोच रही है, आगे का तो पता ही नहीं। लेकिन उसने हाथ मिलाया, यही काफी था। ओके, अब मैं चलती हूँ, बाय। उसको अपने पापा के खोने का गम था, लेकिन मुझे। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ क्या? पूछो। आपको अकेले रहना और सुनसान जगहों पे वक्त बिताना अच्छा लगता है क्या? लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है क्या? नहीं, नहीं पसंद। मुझे अकेले रहना ही ज्यादा पसंद है। ऐसा क्यों? किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। धोखा खाने की सिचुएशन ही नहीं आएगी। कोई करीब आए, फिर वो दूर चला जाए, फिर हमारे बीच झगड़ा हो। मन को बुरा लगने वाली कोई बात का कारण ही नहीं रहता। बिना किसी के मन को दुखाए किसी को प्यार करने वाले भी होते हैं ना। आज तक तो मैंने ऐसे किसी लड़के को नहीं देखा और ना ही मिली हूँ। एक दिन वो आपको जरूर मिलेगा। उस दिन आपने अपने नाम के अलावा और कुछ बताया ही नहीं। मैं यूएस से केमिकल इंजीनियरिंग पूरी करके आई हूँ। फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही हूँ, आगे क्या करना है यही सोच रही हूँ। यूएस से? तो असली प्रॉब्लम ये है, 3 साल यूएस के लोगों के साथ रहने से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। हम इंडियन के साथ अगर रहती तो शायद ऐसा नहीं होता। अब इंडिया में आ गई हो ना, तो खुद ही पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये तो सबको पता है कि जिस लड़की को वो चाहते हैं, अगर वो लड़की जा रही हो तो सबको दुख होता है। प्रिया जी, आपका नंबर वो क्या है कि अगर फिजिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो क्लियर करने के लिए। 9841542003। और फिजिक्स नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग। यार, इतनी ज्यादा क्यों पी रहा है तू? कुछ बोलेगा? 25,000 रुपया हार गया यार मैं। 25,000। यार, इतना टेंशन क्यों ले रहा है? पीछे जय भाई से पैसे उधार मांग ले। मैं खुद जुए में पैसे हार गया हूँ, मैं से क्या उधार मांग रहा है तू? यार कमाल करता है। क्या तू भी पैसे हार गया? तो फिर जीता कौन आखिर? अरे वो कौन है, उसका नाम नहीं पता मुझे। बोला मुझे खेलना है और खेलने आया। मेरे को लगा नया बकरा मिल गया, फांस लेंगे। हम लोगों ने गेम चालू किया, हुकुम के पत्ते पे दांव लगाया, लेकिन किस्मत खराब थी यार। टोटल लॉस हो गया, सब हार गया मैं, कुछ नहीं बचा। बिडू क्या बोलता है? हाँ भाई, नाश्ता हुआ क्या? हो गया भाई। पेपर ला बे। क्या क्या बोलते रहते हैं यार ये लोग। खेलने नहीं आता है तो वायगरा लेके घर पे सो जाने का और बैठे बैठे हिलाते रहने का बैट को। कमाल की बात है यार, ये लोग 2 रन के लिए मैच हार जाते हैं। थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या इनको? ये सब ना उस कैप्टन की वजह से हुआ है। जब देखो गेल को ही ओपनिंग में भेजता है। अरे कभी कभी 3rd या 4th को भी भेजना चाहिए ना। पक्का कैप्टन बोले ना तो अपना धोनी। उस पर जो पैसा लगाया था वो सारा मैच वो जीत गया, लेकिन ये डब्बा लोग पे भरोसा करके जो भी पैसा डाला था सारा डूब गया। बहुत जलन हो रही है यार। क्या गुरु, कल तो गेम में आपने फुल टू जीता ना, वो सब लेके तो आरसीबी पे डाल दिया यार। तो फिर थोड़ा पैसा बचाना चाहिए था ना। ए, थोड़ा क्या होता है? देख यार, बैंक में रखना बचाना ये सब तो अपन को पता नहीं है। हर वक्त डबलिंग करना चाहिए। 25 लाख कमाने का, लाइफ में सेटल हो जाने का बस। और ऐसे डब्बा कटिंग शॉप को छोड़ के हाई फाई कटिंग शॉप में लड़की के हाथ से मसाज करवाने का। समझ गया ना? एक बात ध्यान में रख ले, अगर नहीं सुनने का है तो छोड़ दे। लूटने का है तो बड़ा लूटने का, नहीं तो फिर मैं बोल रहा हूँ ना, शांत बैठने का। चल अपना अच्छे से फेस वॉश कर दे। अनुष्का शेट्टी। अनुष्का नहीं, जया हूँ। तेरे को कितनी बार बोला कि मास्क नहीं उतारने का? चल मास्क वापस पहन ले। तेरा काम हो गया ना, पैसा निकाल अब। चलो चलो चलो, यहाँ खड़े हो जाओ। कपूरी ना सर, अरे इसको मास्क तो डालने को बोलो ना। चुपचाप खड़े रहो सर। जब पकड़ी गई थी तभी तो मास्क डाला था ना। तेरी तो चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता तू। सर अंदर जा। चल अंदर। सर शंकर, एक काम करो, ये फाइल कमिश्नर ऑफिस में देकर के आओ। जाओ सर, उसका नाम अनुष्का करके लिखना, जया भाभी नहीं लिखने का। चुप कर, बकवास मत कर। टू मैनी मच्छर काटिंग सर। चलो कोई बात नहीं, कम से कम एसी तो ऑन करवाओ ना। ऑन बंद कर वरना लंबा केस बनाऊंगा। कूल, नो एक्शन, कूल। चश्मा उतार। सर और कुछ करने को बोलो करूंगा, लेकिन ये चश्मा नहीं उतारूंगा सर। ये सब तू कब तक करेगा? खुद को बदलना नहीं है क्या? बदलने का मैं भला काय को बदलूं सर? आप लोग तो काम करके रात को घर चले जाते हो, लेकिन हमारा 24 आवर्स ड्यूटी रहता है। सुबह उठते ही मंदिर जाता हूँ, आज का बिजनेस फुल प्रॉफिट हो ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। 9 बजे करेक्ट क्लब ओपन हो जाता है। सिंडिकेट में रमी 1 बजे तक पार्ट टाइम। 1 के बाद हमारा मेन बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, रेस कोर्स। फुल रेडी होके घोड़े को पकड़ो तो उसकी पूछ पकड़ने तक वो भाग गया रहता है सर। 5 बजे के बाद डाइस खेलने जाता हूँ, प्लस माइनस देख के वीडियो गेम खेलना है या नहीं ये डिसाइड करता हूँ। प्रॉफिट होगा तो लाइव बैंड में जाके अनुष्का शेट्टी के ऊपर पैसा उड़ाता हूँ, नहीं तो फिर बाहर में जाके दवा दारू पीता हूँ। ये अपना इंटरेस्टिंग टाइम टेबल है। सोसाइटी के अंदर तुझे खुद की आइडेंटिटी नहीं चाहिए क्या? वो छोड़ के बाकी सब मिलता है सर। अभी देखो ना, आप ट्रिपल स्टार हैं, अपन गैम्बलिंग स्टार है। आप लोग पूरा महीना भर काम करके गवर्नमेंट से पगार लेते हो, और हम लोग 3 मिनट जुआ खेल के गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं। आप लोग टाइम के सामने झुकते हो, वक्त के अनुसार जीते हो, लेकिन हमारा वैसा नहीं है, टाइम से खेलते हैं। उसके बाद भी आप हमको एडवाइस देते हो, उससे अच्छा गवर्नमेंट को एडवाइस दो ना गैम्बलिंग बंद करने के लिए सर। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू सुधरने वाला नहीं है। एक का राजा रानी अपन के हाथ में, हाथ भर के मिट्टी तेरा मुंह में। अंजनी माता की जय बोलो, अंजनी माता की जय बोलो, भगवान है ऊपर तू मच्छर मार।